मंत्री केटीआर ने खुलासा किया कि तेलंगाना मॉडल को देश में पेश करने के लिए बीआरएस पार्टी का गठन किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गोलमाल गुजरात मॉडल के साथ देश के लोगों को गुमराह किया। उन्होंने पूछा कि क्या तेलंगाना के लोगों को बाहर जाकर राजनीति करने की अनुमति नहीं है। तेलंगाना भवन में आयोजित टीआरएस की व्यापक बैठक में भाग लेने वाले केटीआर इस बात को लेकर गंभीर थे कि मोदी विकास के लिए फंड नहीं दे रहे। राजगोपाल रेड्डी को 18,000 करोड़ का ठेका दिया गया। केटीआर ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर मरेंगे, लेकिन मोदी को सरेंडर नहीं करेंगे। महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है। भारत सबसे गरीब देश के स्तर पर गिर गया है। मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं दन दन 15 लाख देता हूं। कुछ नहीं आईते जुमला, आईते जुमला लेकपोते हमला, आईते जुमला लेकपोते हमला। मोदी जेपे डबल इंजन गदे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीकी और प्रतिभा दोनों ही देश के स्तंभ की तरह हैं। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में आयोजित द्वितीय विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस में एक आभासी संबोधन दिया। इस सम्मेलन में 120 देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोदी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि सम्मेलन हैदराबाद में हो रहा है, जहां पर्यटन, आतिथ्य, संस्कृति और परंपरा को प्राथमिकता दी जाती। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन इस नारे के साथ होगा कि कोई भी पीछे ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और प्रतिभा देश के विकास में योगदान देगी। मोदी ने कहा कि भूस्थानिक से ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। It is wonderful that this conference is happening in Hyderabad. The city is known for its culture and cuisine, its hospitality and high-tech vision. The theme of this conference is geo-enabling the global village. No one should be left behind. This is a theme that is seen in the steps that India has taken over the last few years. We have been working on a vision of Antyodaya, which means empowering the last person at the last mile in a mission mode. It is the vision that has guided us in last mile empowerment at a massive scale. Banking 450 million unbanked people, a population greater than that of the USA. Insuring 135 million uninsured people, about twice the population of France. Taking sanitation facilities to 110 million families. And tap water connection to over 60 million families. India is ensuring no one is left behind. The second UN World Geospatial International Congress makes me optimistic. With the stakeholders of the global geospatial industry coming together, हैदराबाद में एक बार फिर भारी हवाला रकम जब्त किया गया। गांधीनगर पुलिस ने टैंक बंड के पास होटल मेरिट से 3.5 करोड़ नकद जब्त किया। उत्तर क्षेत्र टास्क फोर्स गांधीनगर पुलिस को भारी मात्रा में हवाला धन की आवाजाही की पुख्ता सूचना मिली है। इसके साथ ही पुलिस ने मेरिट होटल में चेकिंग की। के वेंकटेश्वर नाम के शख्स ने सैदाबाद के रहने वाले एक लड़के गंडी साई कुमार रेड्डी को 3.5 करोड़ रुपए नकद दिए। उन्होंने इसे महेंद्र नाम के लोगों को देने का सुझाव दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके पास से 3.5 करोड़ नकद, 7 मोबाइल फोन और 2 कार जब्त की गई है। गंडी साई कुमार रेड्डी, गुंडे महेश, संदीप कुमार, महेंद्र, अनुष रेड्डी और भरत को हिरासत में ले लिया। नकदी के संबंध में विवरण ठीक से नहीं दिए जाने के कारण धन को जब्त कर लिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। दशहरा और बदकमा त्यौहार टीएसआरटीसी की पूरी मांग लेकर आए।
नियमित व विशेष बसों से 14 दिन में 183 करोड़ 39 लाख का राजस्व आरटीसी अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करने से राजस्व में वृद्धि हुई है। राज्य के प्रमुख त्योहार बतकम्मा और दशहरा के लिए लोग अपने गृह नगर गए। 10 दिनों तक बसें यात्रियों से भरी रही क्योंकि हैदराबाद के लोग दूसरे राज्यों, कस्बों और जिला केंद्रों से जाते थे। आरटीसी के अधिकारियों ने उत्सव की भीड़ को समायोजित करने के लिए 4000 से अधिक बसें चलाई। 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कुल 3,41,64,000 लोगों को आरटीसी बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 183.39 करोड़ की आय हुई है। पता चला कि औसतन 44 रुपये प्रति किलोमीटर की कमाई होती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार आय में 44,54,00,000 की वृद्धि हुई है। ऑक्यूपेंसी रेशियो में भी औसतन 63.57 दर्ज किया गया है। बड़े उपनगरों में बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के भवनों से 3 गुने पानी की बिल वसूलने के फैसले को लेकर जल बोर्ड आखिरकार पीछे हट गई है। उपभोक्ताओं की समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर नगर प्रशासन विभाग को सौंपी गई। करीब 5 साल पहले जल बोर्ड ने GHMC एक्ट के तहत जारी बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाले भवनों को मद कनेक्शन देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उपभोक्ताओं से स्वप्रमाणन लेने के बाद ही नाला कनेक्शन दिया गया था कि वे कल्प के रूप में पानी के बिल का 3 गुना भुगतान करेंगे। इन बिंदुओं को अधिकारियों ने रिपोर्ट में शामिल किया है। यदि सरकार बोर्ड के प्रस्तावों पर सहमत हो जाती है तो उपनगरों के हजारों लोगों को पानी के उच्च बिलों के बोझ से मुक्त किया जाएगा। उपभोक्ता चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। सरकार ने उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से मामलों पर बहस करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए बड़ी संख्या में सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं और स्थायी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। GHMC, HMDA, TSIIC, TSRTC, TONS को और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, प्राधिकरणों और परिषदों की ओर से वकालत करने के लिए 46 GP, 86 AGP, 85 अधिवक्ता नियुक्त किए गए। आदेश में कहा गया है कि ये सभी पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल तक सेवा देंगे। बनलगुड़ा और पोचारम में राजीव स्वगृह फ्लैटों की लॉटरी को लेकर HMDA ने एक और मौका दिया है। पहले से पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट देने की अनुमति है। टोकन अग्रिम का भुगतान करने वाली सभी लोगों के नाम के साथ फिर से एक और लॉटरी निकाली जाएगी। बंडलगुड़ा और पोचारम में करीब 3,700 फ्लैट है, लेकिन हाल ही में उनमें से 40% ही लॉटरी के जरिए बेचे गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2,200 ट्रिपल डिलक्स, ट्रिपल डबल और सिंगल बेडरूम फ्लैट खाली है। HMDA के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे एक बार फिर बाकी फ्लैटों की लॉटरी निकालेंगे। पोचारम और बनलगुड़ा में एक बेडरूम का फ्लैट 13-18 लाख में और बनलगुड़ा में 3BHK डिलेक्स फ्लैट 50-60 लाख में मिल सकता है। 3BHK के लिए 3 लाख, डबल बेडरूम के लिए 2 लाख और सिंगल बेडरूम के लिए 1 लाख रुपये HMDA कमिश्नर के नाम से लेकर हिमायतनगर स्थित राजीव स्वगृह MD ऑफिस में जमा करना होगा। अधिकारियों ने इस महीने की 26 तारीख से पहले टोकन राशि का भुगतान करने का सुझाव दिया। इसमें कहा गया है कि फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा और लॉटरी में फ्लैट उपलब्ध नहीं होने पर टोकन राशि वापस कर दिए जाएंगे। पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन का शहरवासियों को बेसब्री से इंतजार है। भाग्यनगर गैस परियोजना नवंबर 2011 में शामिरपेट स्टेशन से शुरू हुई थी। अभी भी 30% काम पूरा नहीं हुआ है। इससे भाग्यनगर वासियों को कनेक्शन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घरेलू गैस की कीमत 1,105 रुपये तक पहुंचने के साथ LPG खपत की तुलना में 35% तक सस्ती। अधिक लोगों ने PNG कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। LPG कनेक्शन की कीमत 2 साल में 2 गुनी हो गई है। इसके साथ ही सब्सिडी खत्म होने के साथ ही पूरे शहर में PNG कनेक्शन मुहैया कराने की मांग पर पानी फिर गया है। 5 साल में 2,66,000 परिवारों को कनेक्शन देने वाले और इनमें से ज़्यादातर कनेक्शन 50 स्टेशनों के जरिए वाहनों को गैस मुहैया कराने का लक्ष्य है, लेकिन 30% काम पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर मंजूरी जारी करने में देरी हो रही है या ग्रिड से गैस की
अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है। उधर आरोप है कि जिन लोगों को कनेक्शन मिला है उन्हें पाइपलाइन के जरिए गैस नहीं मिल रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है। सरकार ने 5 से 8 सरकारी डिग्री कॉलेजों को एक छत के नीचे लाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार ओयू के तहत सरकारी डिग्री कॉलेजों को जोड़ने वाले क्लस्टर बनाए गए हैं। सरकार ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, विकाराबाद, मेदक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिलों में 38 डिग्री कॉलेजों को 6 क्लस्टर में बांटा है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक डिग्री कॉलेज को मेंटर के रूप में चुना गया है। इसके दायरे में 4 से 7 कॉलेज लाए गए थे। क्लस्टर सिस्टम से दूसरे कॉलेज के छात्र और शिक्षक एक कॉलेज के संस्थानों का उपयोग शिक्षा और शोध के लिए कर सकते हैं। दूसरे कॉलेज में एक ही पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों को एक कॉलेज के विषय विशेषज्ञों के साथ पढ़ाने का अवसर मिलता है। शोध की दृष्टि से क्लस्टर प्रणाली से संबंधित महाविद्यालयों के बीच संस्थानों के पारस्परिक उपयोग का अवसर है। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खास पहचान हासिल करने वाली टोयोटा कंपनी ने हाल ही में अर्बन क्रूज कार लॉन्च की है। कंपनी के एमडी नीरव मोदी ने टोलीचौकी में टोयोटा शोरूम में औपचारिक रूप से पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। एमडी नीरव मोदी ने विश्वास जताया कि पेट्रोल के दाम आसमान छूने पर यह वाहन चालकों को काफ़ी राहत देगा। जिन लोगों ने इस वाहन का परीक्षण किया है उन्हें एक बार फिर कहा था कि वे दूसरा वाहन खरीदने के इच्छुक नहीं है। एट फॉर्च्यून ग्रुप टू लॉन्च द न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर द फर्स्ट इन क्लास द ओनली कार इन दिस रेंज इन दिस सेगमेंट to come up with a fully hybrid vehicle at a fantastic 27.97 kilometers per liter. So as the technology changes and the cars become more environmentally friendly, diesel is a technology of the past and the hybrid is the right choice for India. So this is a fantastic product. You have to test drive it to realize how good this product is. It is an absolute game changer. It's going to, people who drive it are never going to drive a normal car again. I am very confident that this is the right solution for India and we are very proud as Fortune Toyota to launch this new product. मीरपेट थाने में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, मंदिरों को चोरी का निशाना बनाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। बड़ंगपेट नगर निगम अंतर्गत कई मंदिरों में अज्ञात लोग पोचम्मा और मैसम्मा मंदिर से 20,000 रुपये नकद चुरा कर फरार हो गए। पुजारी ने पुलिस से शिकायत की कि हुंडी में रखे रुपये और जेवर सुबह चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग पुलिस गोवा ड्रग माफिया पर नकेल कस रही है। शहर पुलिस द्वारा अंतर्राज्य गिरोह की जांच की जा रही है। तेलंगाना से जुड़े गिरोह ही नहीं, हमारी पुलिस अंतर्राज्य गिरोह को धर दबोचने के लिए लगातार शिकंजा कस रही है। इसके साथ ही नशे की दुनिया को लगातार झटके लग रहे हैं। नशा तस्कर बीटेक के छात्रों और सॉफ्टवेयर कर्मियों को निशाना बना रहे हैं और शहर में प्रतिबंधित दवाएँ बेच रहे हैं। बीटेक कॉलेज शहर के बाहरी इलाके में है, इसलिए शहर के बाहरी इलाके में छात्रों को ड्रग्स बेचा जा रहा है। राजनेताओं ने इस गिरोह पर ध्यान केंद्रित किया और नशीले दवाओं के उपयोग को कम कर दिया। यूजर्स के लिए सीधे ड्रग्स खरीदना मुश्किल हो गया है। कुछ यूजर्स ने डार्क वेब का सहारा लिया है। अगर आप इसमें ऑर्डर देते हैं तो पार्सल सीधे अमेजोन से आपके घर पहुँच दिया जाएगा। इससे पुलिस की कोई झंझट नहीं होती। खुफिया जानकारी मिलने पर इसकी जांच की जाती है। पुलिस ने पाया कि ड्रग्स को सीधी सप्लाई करने की बजाय डार्क वेब के जरिए निपटाया जा रहा है। हैदराबाद के सीपी आनंद ने बताया कि गोवा का रहने वाला नरेंद्र आर्य नाम का शख्स डार्क वेब नेटवर्क चला रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। पुलिस ने कहा कि नरेंद्र के देश भर में 450 कस्टमर हैं। पुलिस ने हैदराबाद के 5 उपयोगकर्ताओं को नारायण के ड्रग ग्राहकों के रूप में पहचाना है। शहर में नशे का सेवन करने वाले नशेड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नतीजतन जांच करने वाली पुलिस को कई दिलचस्प बातें पता चली हैं।
आरोपियों ने कहा कि वे डार्क वेब की कोड लैंग्वेज के जरिए अपनी पसंदीदा की दवाइयां मंगवा रहे हैं। यदि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो पता चलता है कि घर पर दवाएं कुरियर द्वारा भेजी जा रही है। सीपी ने अभिभावकों से कहा कि वे छात्रों और आईटी कर्मचारियों और उन्हें मिलने वाले ऑर्डरों पर नजर रखें। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ व नकदी बरामद की है। पुलिस ने 9 लाख मूल्य की 140 ग्राम चरस, 1.45 किलो गांजा, 184 गोलियां, LSD व MDM 10 ग्राम जब्त किया है। पुलिस ने गोवा के नरेंद्र के ड्रग कस्टमर के तौर पर बिजनेस, पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री के 30 लोगों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 600 लोगों की पहचान की है जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर छात्र और आईटी कर्मचारी हैं। सीपी आनंद ने बताया कि इन सभी की पुनर्वास केंद्र में काउंसलिंग की जा रही है। हैदराबाद सीपी आनंद ने कहा कि हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग की स्थापना के बाद से शहर में ड्रग्स पर अंकुश लगा है। इस विंग के माध्यम से अब तक 58 ड्रग केस दर्ज किए गए हैं और 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हैदराबाद में लोगों को ड्रग्स बेचने से डराया। सीपी आनंद ने चेतावनी दी कि शहर से कुछ नशा करने वाले गोवा और बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर ड्रग्स लेते हैं। सीपी आनंद ने बताया कि नशा करने वालों के साथ साथ ड्रग्स का सेवन करने वालों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बैन रियासत गिरोहों को पकड़ा गया है। ये डार्क वेब के जरिए नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहे हैं। इनको हमारे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वाले बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करके बहुत गहरी तहकीकात उन्होंने किया कि उसको पकड़ के लेके आए हैं। इसमें दो इंटरस्टेट मेन पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ा गया है, एक तीसरा भागा हुआ है। इसका नाम है नरेंद्र आर्या। ये गोवा का रहने वाला है। वो एक साल से वहाँ रहकर डार्क वेब के द्वारा के जरिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के जरिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। ये कंज्यूमर्स जो हैं, जिसको भी हमने पकड़ा है, वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। इन ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है, उनके नाम हैं उत्कर्ष उमंग, अब्दुल्ला खान, साहिल शर्मा। ये तीनों BBA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करने का और बेचने का भी। जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी पकड़ा गया है और उनके माँ बाप को भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा है और उनका रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये तीनों गैंग्स को पकड़ने के बाद 40 ग्राम चरस, 1450 ग्राम्स गांजा और 128 LSD ब्लॉट्स और 7 सेलफोन्स को भी हम सीज किए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि विकर मी ऐप जो है, वो मैसेंजर ऐप है, नारकोटिक ड्रग उनको ज़रूरत है उसको वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसका पेमेंट भी बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस द्वारा इसको पे करना होता है। तो बाइनेंस और वजीरेक्स, ये जो क्रिप्टो करेंसीज को वो मान रहे हैं और उसके द्वारा पेमेंट होने के बाद कोरियर के द्वारा इसको जरिए इसको भेजा जाता है। कोरियर्स में मैं माँ बाप सबको बताना चाहता हूँ कि कोरियर जो घर आपके आता है, ऐसा हो सकता है उसमें कुछ कम्युनिकेशन और अंदर कहीं छुपा हुआ होगा ये ड्रग। ये विकर्मी ऐप के द्वारा ये पेमेंट होने के बाद ये ऐसे डिलीवरी हो जाता है। तो इसको हम थोड़े कंज्यूमर्स हमको यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किए थे। फरहान मोहम्मद अंसारी इसका एक्चुअल नाम है। ये टर्मिनेटर ID से बेच रहा है। ये पूरे देश में इनके कंज्यूमर्स हैं। 450 से लेके 150 कंज्यूमर्स तक एक एक मेंटेन कर रहे हैं और 30 लाख से लेके 15 लाख तक इनके ट्रांजैक्शंस आज तक हुए हैं। तो ये पहली बार है जब नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वालों ने डार्क वेब के जरिए उसमें कैसे ड्रग्स बेच रहे हैं उसको बस्ट किया है और इतने लोगों को पकड़ लिया गया। थर्ड लेवल पे इंटरस्टेट अक्यूज को पकड़ा गया, नाइजीरियंस को जो मुंबई में ऑपरेट करते थे, बैंगलोर में ऑपरेट करते थे, उनको पकड़ लिया गया है।